ये देखिए दोस्तों, ये बाजरे का बीज है ना, ये देखिए आप बड़े ढंग से बाजरे का बीज कैसा। ये देखिए दोस्तों, ये हैरो। हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम यहाँ पर खेत हमने इसलिए जोता है, यहाँ पर ये देखो यहाँ पर गेहूँ लगे हैं, और यहाँ पर इसलिए खेत जोता है, यहाँ पर बाजरा का बीज, आप जानते हो जो घास होती है वो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बीज ना। अभी हमने इसमें मतलब सुबह जुताई करके पटेला लगा दिया है, ये देखिए आप ऐसी मतलब पटेला लगाना है, पहले आपने हैरो से जुताई करनी है। अभी मैं आपको हैरो भी दिखाऊंगा, आप लोगों ने देखा ही होगा, मतलब नॉर्मली मैं आपको वैसे ही बताऊंगा कि बाजरे का बीज कैसे बोना है। सबसे पहले आपने मतलब खेत झोलना है, उसके दो चार दिन बाद अगर थोड़ी नमी होती तो उसमें जो मतलब बढ़िया ढंग से नमी होने के बाद इसको जोतना है, पहले हैरो से अगर कोने से, कल्टीवेटर आप पता ही हुआ आपको, कल्टीवेटर किनारे से लगाना ठहरा ही ना, मतलब जो किनारे 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 कल्टीवेटर से होता है, हैरो इतना वो नहीं होता है ना। फिर इसके बाद आपने बड़े ढंग से इसमें पटेला लगाना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए वहाँ पर है हैरो, मैं आपको लेके चलता हूँ ठीक है। और ज़रा यहाँ पर तोते भी बहुत परेशान कर देते हैं, मैं ज़रा तोते भी देख रहा हूँ ना इधर को, वो देखिए तोते कितना खा रहे हैं, यहाँ पर गेहूँ भी तैयार हो गया है ना हमारा, हाट बहुत तोते खा दे रहे हैं गेहूँ ना। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी बढ़िया ढंग से ना, ऐसी मतलब खेत आपने बनाना है बढ़िया नमी वाला, देखो बढ़िया ढंग से देखो कितना बढ़िया बना पड़ा है, ये देखिए आप मतलब नॉर्मल ही ना, मतलब इसमें बाजरा बोने का घास वास बोने के लिए ठीक है दोस्तों। ठीक है मैं आपको अभी हैरो के पास ले चलता हूँ, हाट ये हमारे गेहूँ अब तैयार हो ही गए हैं लगभग ना। अब आपको पता है इस मार्च अप्रैल के टाइम पर, अप्रैल के टाइम पर गेहूँ ये तैयार हो ही जाते हैं, थोड़े थोड़े हरे दिख रहे हैं लेकिन अब ज़्यादातर ये पूरा तैयार हो गया है। हाट बहुत तोते ये नुकसान करते हैं ना, तभी खेतों में मतलब ये है कि राउंड मारना पड़ता है तोतों को देखने के लिए ना। ये देखिए आप बाल तोड़ के ले जाते हैं, जैसे इसकी बाल है ना, जो इसकी बाल है, बाल यहाँ से तोड़ देंगे उसके किनारे से ना, ये देखिए यहाँ से तोड़ देते हैं और खाते हैं इसको ठीक है। हाट इसलिए यहाँ पर देखिए मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि आज मतलब बाजरा मतलब कैसा बोया जाता है, आपको बीज भी दिखाऊंगा ना उसका बाजरे का। ये देखिए दोस्तों, ये हैरो से आपने बोना है ना, ये हैरो से बोना है आपने, ये हैरो है आपने देखी होगी हैरो, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कट खोलना पड़ता है ना, जैसे ये कट है देखिए इसमें इतने कट होते हैं, ये होते हैं कट ठीक है, ये हुआ ठीक हो गया, इसमें बड़े ढंग से करना है। ये देखिए दोस्तों, ये बाजरे का बीज है ना, ये देखिए आप बढ़िया ढंग से बाजरे का बीज कैसा होता है, ये मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया, उसको आप बढ़िया ढंग से बोना है ना, मतलब बढ़िया ढंग से बाजरे का बीज बोना है आपने, मतलब आईडी के तरीके से ना बढ़िया ढंग से मतलब बीज बोना है, और वैसे मतलब कुछ नहीं है, मतलब हल्के हल्के तरीके से बोना है, जैसे यूँ पकड़ा आपने बीज ऐसे 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 फेंकना है ठीक है, ऐसे करके, ना कि ये नहीं कि एक ही साथ सब पूरा बीज इकट्ठा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना ठीक है। और बड़े ढंग से आपने बोना है बीज, फिर इसके बाद जैसे आपने बीज अगर बोलोगे उसके बाद आपने इसी में ही इसको मिक्सिंग करना है, मतलब ऐसा नहीं है कल्टीवेटर से भी आप मिक्सिंग कर सकते हो या हैरो से भी ना, हैरो या कल्टीवेटर से भी मिक्स करके आप बो सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये नहीं वो होगा, वो सब चीज़ हो जाता है ठीक है। बीज ना, बीज आपको बाजरे का पता है जो घास होती है, आप समझ गए होगे ना, ठीक है फिर दोस्तों देखते रहिए आप।